हाय गाइस, दिस इज तुलिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर्ट विद तुलिका कश्यप। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लॉकडाउन में बोर कैसे ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं आपको पीकॉक पेंटिंग बनाना बताऊंगी। ये उन बिगनर्स के लिए जो बिल्कुल भी बोर नहीं होना चाहते, तो इस वीडियो में पूरे मेरे साथ बने रहिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं, फिर लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैंने पहले बैकग्राउंड के लिए, एक पेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स कि एक बैकग्राउंड हो, ब्यूटीफुल सा बैकग्राउंड क्रिएट किया जाए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि वाइट कलर मैंने लिया है, बहुत ही स्मूथ तरीके से मैं यहाँ पर मून बनाने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्रॉपर मैंने फ्लैट ब्रश लिया हुआ है, उस फ्लैट ब्रश से मैं यहाँ पर सर्कल क्रिएट कर रही हूँ मून के लिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सर्कल वाइट कलर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे लाइट ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ, उसके सर्कल के किनारे किनारे जो मैंने वाइट कलर लगाया था। उसके बाद मैं यहाँ पर मून का ब्लू कलर से, लाइट ब्लू कलर से सर्कल को कंप्लीट कर रही हूँ। देखिए आप किस तरीके से मैं ब्रश को राउंड राउंड ही पूरा चलाऊँगी, आप देख सकते हैं प्रॉपरली। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लाइट ब्लू कलर से कंप्लीट कर लिया। अब मैं दूसरा ब्लू कलर लूँगी जो कि थोड़ा फास्ट ब्लू कलर है। ठीक है, सर्कल के किनारे किनारे हमको उसी तरीके से राउंड राउंड तरीके से अपने ब्रश को, जैसे मैं मोड़ रही हूँ आप देख सकते हो, उसी तरीके से हमें करना है। और इसका जो किनारे किनारे है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर लगा रही हूँ मैं इसको, देन आफ्टर। अच्छा, एक बार मैं बता दूं आपको, किसी भी पेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक ब्यूटीफुल सा बैकग्राउंड क्रिएट करना। आप समझ सकते हैं इस चीज़ की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। जब तक किसी भी पेंटिंग का बैकग्राउंड नहीं इंटरेस्टिंग होगा, तब तक पेंटिंग नहीं अच्छी लगेगी। सिर्फ ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं होता, उसका बैकग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक पेंटिंग के लिए। आपको मैं बता दूँ, क्योंकि आप बिगनर्स हैं, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम आप जो बैक में जो चीज़ें बनाएं वो बहुत सुंदर होनी चाहिए, या कुछ इंटरेस्टिंग उसको क्रिएट करिए। जैसे कि आप कोई पेड़ बना रहे हैं या कोई ऐसा कुछ बना रहे हैं, तो उसके बैकग्राउंड में आप सन दिखा सकते हैं, या आप ऐसा कुछ क्लाउडी एरिया दिखा सकते हैं, माउंटेन दिखा सकते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अभी तो हमारा यहाँ पर मून के किनारे किनारे का जो ब्लू कलर लगाया है वो कम्प्लीट हो रहा है। देन आफ्टर हमें वहाँ पर सेंटर में फिर से हमें वाइट कलर से उसको फिल करना होगा उसको। कई बार हम यहाँ पे कलर्स की लेयर को लगाते हैं जब तक हमारा प्रॉपर मिक्स नहीं हो जाता है ये चीज़। ठीक है, Thank you.
फ्रेंड्स यहाँ पर अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग उसी तरीके से जैसे मैंने बीच में वाइट कलर, उसके बाद मैंने लाइट ब्लू कलर, उसके बाद थोड़ा सा लाइट एंड उसके बाद जब ये जो कलर हम फिल कर रहे हैं साइड साइड में, इसको थोड़ा सा हम डार्क कलर यूज़ करें और वो सर्कल जैसे सर्कल में हाफ सर्कल तरीके से ही मैं इसमें कलर को ब्रश से फिल कर रही हूँ, आप देख सकते हैं प्रॉपरली फ्रेंड्स। और यही चीज़ इंपॉर्टेंट है किस तरीके से फिल करना है, इसमें प्रॉपर मिक्स हो जाए कलर, बार बार हमें कलर को लेना पड़ता है, ड्राइनेस हो जाती है कलर में क्योंकि वो एक्रेलिक कलर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो आपको और भी नेक्स्ट वीडियो जो बताऊंगी कुछ डिफरेंट होगा उसमें वाटर कलर से बताऊंगी किस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। तो फिलहाल तो आज का वीडियो हमारे एक्रेलिक कलर के साथ है, आप पूरे वीडियो में बने रहिए ताकि आप सीख सकें। तो फ्रेंड्स बिगनर्स को तो काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, घर में बोर नहीं होना चाहते हैं क्योंकि वो, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सर्कल थोड़ा मैंने पानी इसमें मिक्स करा, आप देख सकते हैं ब्लू कलर के साथ पूरा ब्लेंड करने के लिए प्रॉपरली, ये देखिए देखिए मैंने पानी लगाया, बट पानी को बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, वो पानी को और कलर को प्रॉपर बराबर ऐसे ही मिक्स करना है हमको, ठीक है। ये पूरा पूरे पूरे लास्ट तक पूरा ऐसे ही चलेगा यहाँ पे ब्लू कलर से, पूरा लास्ट तक पूरा ये जाए क्योंकि ये नाइट मून सीन है यहाँ पर, पिकॉक आगे भी फ्रंट में बनाऊंगी मैं थोड़ी देर में इसमें। तो फ्रेंड्स वही चीज़ है ना कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों छोटे छोटे टिप्स आप मुझसे लेते रहिए ताकि आपकी पेंटिंग बहुत ही सुंदर बन सके, आप अपने कुछ भी करना चाहें तो प्रॉपर बना सकते हैं चीज़ों को अच्छे से, ठीक है। तो जब भी आप वर्क करेंगे तभी आपको कोई चीज़ समझ में आएगी, ऐसे कुछ भी देख करके उसको आप बना के देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने लाइट ब्लू कलर लिया है, मैंने ऊपर से ही ले लिया कलर, कोई दिक्कत नहीं, मैं अच्छे से ब्लेंड मिक्सिंग कर रही हूँ उसकी, देख सकते हैं आप। कई बारी कलर को हमें प्रॉपर मिक्स करने के लिए इसी तरीके से करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट करने से ही चीज़ें थोड़ी सी अच्छी और निकल कर के आती हैं, ठीक है। ये देखिए ब्लू कलर से मैंने लास्ट तक पूरा मैं फिल कर रही हूँ, हाँ। तो फ्रेंड्स हमें पेशेंस के साथ भी वर्क को करना चाहिए, ठीक है। बहुत हम किसी भी चीज़ को लेके उलझन में नहीं पड़े, हम उसको जब करेंगे तभी हमें वो चीज़ें आएंगी प्रॉपरली, ठीक है। तो ये देखिए लास्ट का जो कॉर्नर है इसको ही फिल करना है हमें, तो ब्लू कलर ले रहे हैं इसके लिए इसमें, जब तक चीज़ें प्रॉपर नहीं बन जाती हैं, ठीक है। जब तक चीज़ें हमें लगता है कि वो चीज़ें नहीं सही आ रही, तब तक हमें उस चीज़ को करते ही रहना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए कोशिश कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, तो यहाँ पर जो चीज़ें सही नहीं हो रही थी उसको कलर लगा के हमने बार बार चीज़ों को प्रॉपर उसकी शेडो बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, तो जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक आप देखेंगे नहीं, करने की कोशिश नहीं करें, तब तक वो चीज़ आप नहीं समझ पाएंगे फ्रेंड्स। Thank you.
फ्रेंड्स अभी मैंने यहाँ पे रेड कलर ले लिया है जो कि ये सर्कल जो है कंप्लीट करना है, आप देख सकते हैं किस तरीके से। और इसकी पूरी डिटेलिंग धीरे धीरे करके मैंने पर्पल कलर यूज़ करा, आफ्टर देन उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी वाइट कलर, उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ कुछ अलग कलर जो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स धीरे धीरे करके ये कंप्लीट होगा, आप प्रॉपर इसी तरीके से करिएगा ताकि देखने में मज़ा आए और करने में भी मज़ा आए इसको। ऑरेंज कलर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बहुत ही पॉइंटेड ब्रश लिया है इसकी जो मेन डिटेलिंग थी उसको कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर इसकी आइज बनाऊंगी मैं और ऊपर वाला जो ताज था वो बनाऊंगी। इसके बाद यहाँ पर ये जो कुछ कर्व लाइन्स हैं इनको इनसे पूरा इसका कंप्लीट करूँगी मैं, आप देख सकते हैं हाईलाइटिंग भी कर रही हूँ मैं इसके साथ साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये टहनी बनाना बहुत ज़रूरी है, इसमें थोड़ा सा और लुक अच्छा आ जाएगा, इसको भी कंप्लीट करना है। ऊपर के साइड में ये कुछ टहनियाँ लटक रही हैं पत्तियाँ, इनको भी कंप्लीट करना है और इससे बहुत ही सुंदर सा बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा, आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल बैकग्राउंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अभी डैबिंग ब्रश लिया है वाइट कलर के साथ, मैं यहाँ पे स्प्रे कर रही हूँ और आप चाहें तो आप टूथब्रश को भी यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है इस तरीके से स्प्रे किया जाता है जब किसी पेंटिंग पर। तो तो फ्रेंड्स हमारी ये पेंटिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है, हमने जो साइड में पेपर टेप लगा रखा था उस पेपर टेप को हमें निकाल देना है, प्रॉपरली इसको रिमूव कर देना है। और ये पेपर टेप आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप नॉर्मल सा सेलो टेप भी ले सकते हैं। मेरे पास पेपर टेप था जो कि मैं अपने आर्ट वर्क में यूज़ करती हूँ, जिस आप भी चाहें तो इसको यूज़ कर लीजिए फ्रेंड। और देखिए ब्यूटीफुल सी पेंटिंग आपके सामने तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स फिर चलते हैं आज की इस ब्यूटीफुल पेंटिंग के साथ, आई होप आपने अच्छे से सीखा होगा इसको। ओके फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।